आए दिन पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या पाकिस्तान की आर्मी युद्ध में घंटे भर भी टिक पाएगी। अब इसका बड़ा सबसे बड़ा नतीजा निकलकर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर कर रखा गया है, पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी बड़ी बड़ी डींगे फेंकती रहती थी कि हम घंटे भर में कुछ भी कर सकते हैं, हम परमाणु बम से संपन्न हैं, परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। ISI के चीफ तक ने यह बयान दिया था कि हमारे पास परमाणु बम देखने के लिए नहीं है। लेकिन अब जब पाकिस्तान की आर्मी ने ही सरेंडर कर दिया, तो क्या अब पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा? जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले बता दिया, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे लाल कलर का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पाकिस्तान चारों तरफ से इस समय घिरा हुआ है। दो तरफ से पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों की तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ POK की तरफ से घिरा हुआ है और चौथी तरफ भारत ने ही पाकिस्तान को घेर रखा है। हर एक मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को घेर रखा है। अब ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी जहां पर POK और दो तरीके से आतंकवादी समूहों से लड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी ने कह दिया है, उनकी सेना ने कह दिया कि हमें ऐसी जगह पोस्टिंग नहीं चाहिए जहां पर युद्ध की संभावना है। क्योंकि अब पाकिस्तान की आर्मी समझ चुकी है कि ISI और सरकार की मिलीभगत होने के कारण आज तक पाकिस्तान युद्ध के मुँह में धकेलता जाता रहा है। अब पाकिस्तान की आर्मी ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है और वह अब किसी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह खबर आने के बाद से ही पाकिस्तान में भी हड़कंप है और इधर POK को भी अब अपनी आज़ादी दिखने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर रही है, लगता है POK बहुत ही जल्द आज़ाद होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें।